मेरे पति कहते हैं जैसे साहब कि मुझे मारना है, इनका पति धर्म है। मार को चुपचाप सहना मेरा पत्नी धर्म है। मुंह मीठा कीजिए, लीजिए। ये किस खुशी में? अरे भाई, डॉक्टर स्नेहा माथुर को इतनी कोशिश के बावजूद भी आप बिठा नहीं पाए, तो दांत तो खट्टे हो ही गए होंगे ना? बाबा, खट्टे अंगूर होते हैं, दांत नहीं। चलो ऐसा ही मान लेते हैं। अच्छा बाबा, आप हमारे लिए इतने प्रेम से मिठाई लेके आए हैं, तो हमारा भी मन कर रहा है आपको हम कुछ प्रेम से दें। प्रेम से तो हम सब कुछ ले लेते हैं, लेकिन है क्या ये? हाँ देखिए देखिए। ये क्या मतलब? पुलिस पब्लिक को कब से घूस देने लगी? नहीं बाबा, दरअसल ये आप ही का पैसा है जो आप ही को वापस लौट रहा है। ये वही पैसा है जो आपने बिरजू को दिया था माथुर साहब पर हमला करने के लिए। क्या बकवास है ये? मतलब कोई हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है? नॉनसेंस। बिरजू ने पुलिस में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। तो क्या करें हम? बयान दिया है बाबा, आपका नाम लिया है बयान में। बधोक साहब, आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? ये जो दिगंबर है, ये सब उसी की करनी है। अरे उसे हमने जेल में डलवा दिया तो उसी बात का गुस्सा वो हमारे पर उतार रहा है, और कुछ नहीं। बाबा नॉनसेंस बात करते हो। एक बात बताओ, जेल में बैठा आदमी हमला कैसे कर सकता है? अरे वो जो छोकरा है ना, वो उसी का लौंडा है। ये बात भी आप अच्छे से जानते हैं। जानते नहीं जानते? अरे हमारी तीर्थ यात्रा में अड़चन डाल रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे नालायक। बाबा तीर्थ यात्रा? हाँ। अरे उसी की तो मिठाई हम लेके आए थे आपके पास, और कल की रेलगाड़ी की टिकट भी है। लेकिन हमारी तो किस्मत, हाय हमारा हिमालय का है। बाबा हाँ, किस्मत का क्या लेना देना है इसमें? तो किसका लेना देना है मधोक साहब? एक बुरा आदमी एक अच्छे आदमी को अच्छाई करने से रोक रहा है, और वो बुरा आदमी है दिगंबर जो जेल के अंदर बंद पड़ा है, और आप उसकी बात का यकीन कर रहे हैं? बाबा बाकी सब तो ठीक है, मैं एक बात समझ में नहीं आ रही। हम आपसे बिरजू 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 कर रहे हैं, आप दिगंबर 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 ला रहे हैं। अरे बाबा, कितना 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 भरोसा किया था उसके ऊपर हमने, कितना भरोसा किया था। लेकिन वो उसने क्या किया? उस आस्तीन के सांप ने किया, हमारी हमारी पीठ में छुरा घोंप दिया उसने। बाबा फिर कंफ्यूज हो गए आप, फिर उल्टे दो चीजें मिलाई आपने। सांप जो है वो डसता है हिस्स फुस्स करके, समझे? सांप जो है ना वो छुरा नहीं उठा सकता। बहुत कंजर इंसान है वो दिगंबर मधोक साहब, वो फुस फुस भी कर सकता है और वो कुछ भी उठा भी सकता है। यार इसकी भैंस तो यही बैठ गई, उठने का नाम नहीं ले रही, क्या करूं? हाँ? कौन बैठ गया किसके ऊपर, क्या कह रहे आप? बाबा भैंस की बात कर रहा हूँ, वो आपकी समझ में नहीं आएगी, दोनों में कोई बराबरी। मैं तो छोड़ रहा। ये बताओ, जेल में बर्फ का कुछ इंतजाम कर सकते हो? हम क्यों करेंगे बर्फ का इंतजाम जेल में? बाबा आप जा रहे थे ना हिमालय तीर्थ यात्रा पर। हाँ। पर आप तीर्थ यात्रा पर नहीं जा रहे हो, आप जा रहे हो जेल यात्रा पर, तो बर्फ का कैसे कमी पूरी होगी? हम जेल में जा रहे हैं, क्यों? श्रीमान दुर्जन पांडे उर्फ बाबा पहलवान, माथुर साहब पर जानलेवा हमला करने के जुर्म में मैं आपको अभी इसी वक्त गिरफ्तार कर रहा हूं। आई होप मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया होगा। नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे भाई, तुम पर सारे मानवता अस्पताल की जिम्मेदारी है, इंसानियत क्लिनिक, सुकून स्वास्थ्य केंद्र, और भी न जाने कितने काम रहते हैं जो कि आप इतने बरसों से करते आ रहे हैं। वैसे आप कहने तो कुछ और आए हैं और कह कुछ और रहे हैं। बैठो सर आप। मानसिक रोग के बारे में तुम्हारे क्या विचार? मानसिक रोग सर, ये हमारे समाज की एक बहुत बड़ी समस्या है। दुख की बात तो ये है कि ज्यादातर मरीजों को ये भी नहीं पता होता कि उन्हें मानसिक रोग है।
और ऐसे लोगों के परिवार वाले बात करने से भी डरते हैं। जी सर, तो हमारा पहला कदम ये होना चाहिए कि हम उन्हें समझाएं कि मानसिक रोग भी एक बीमारी ही है जिसका इलाज मुमकिन है। मानसिक रोगी समाज का दुश्मन नहीं, समाज का ही हिस्सा है। उसे धुतकारने के लिए, उसे समझने की, समझाने की, अपनाने की जरूरत है। बहुत दुख होता है, न जाने कितने लोग हैं जो ऐसे अंधेरों में जी रहे हैं। तो सर, आपने इस बारे में क्या सोचा है? इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे सुकून स्वास्थ्य केंद्र में एक ऐसा डिपार्टमेंट हो जो मानसिक रोगियों को देखे और उनका इलाज करे। सर, ये बहुत अच्छी बात है, एक ऐसा डिपार्टमेंट जरूर होना चाहिए, लेकिन लेकिन क्या? तुम तो हर मुमकिन में विश्वास रखती हो, तो फिर लेकिन क्यों? सर, दरअसल हमारा जो बजट है उसमें एक और डिपार्टमेंट के लिए गुंजाइश नहीं है। ये लो, इसे अपने बजट के साथ जोड़ लो और मानसिक चिकित्सा का एक डिपार्टमेंट शुरू करो। इतने पैसों से तुम कम से कम 3 साल अपने डिपार्टमेंट को आराम से चला सकते, फिर देखेंगे कोई ना कोई उपाय निकल ही जाएगा। गांधी जी ने कहा था, फाइंड द पर्पस, मीन्स विल फॉलो। लक्ष्य देखो, साधन अपने आप मिल जाएंगे। सर, पर इतनी बड़ी रकम, अरे मेरे पास सालों से बहुत सारे शेयर्स पड़े थे, अब उनकी कीमत बहुत ज्यादा हो गई है, तो मैंने सोचा ये सही वक्त है इनका इस्तेमाल करने का। बस मेरी यही इच्छा है कि इससे मानसिक रोगियों को सुकून मिले। आपने अपनी पूरी जिंदगी मरीजों के इलाज में लगा दी और अब अपनी ये जमा पूंजी भी। अब ये सब छोड़ो, अब तुम मेरी बॉस हो और मैं तुमसे छुट्टी मांगने आया। वो औपचारिक चिट्ठी मैं तुम्हें बाद में भेज दूंगा। मैं तुम्हें तुमसे मिलकर ये बताना चाहूंगा। आप हमें छोड़कर जा रहे हैं? नहीं, मैं तुम्हारी उड़ान को दूर से देखना चाहता हूं। अब सही वक्त आ गया है रिटायरमेंट लेने का। पुराने दोस्तों के साथ वक्त गुजारना चाहता हूं, नई नई जगह घूमना चाहता हूं और नए नए अनुभव बटोरना चाहता हूं। ठीक है सर, मैं आपको रोकूंगी नहीं, पर एक वादा आपको मुझसे करना होगा। हर 3 महीने में कम से कम एक बार आप मुझसे मिलने आएंगे, एक डॉक्टर की नहीं, एक बेटी की गुजारिश है। मैं वादा करता हूं। दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रताप वाणी, बुआ जी और मुन्ना की जुबानी। तो नमस्ते, मैं हूँ आपकी बुआ जी, आपकी सेवा में। नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त मुन्ना, बुआ जी स्नेहा जी और आपकी सेवा में। एक बार फिर से हमारे साथ हैं डॉक्टर स्नेहा जी, जो बताएंगी आपको सत्य की अदालत के बारे में। नमस्ते। नमस्ते मुन्ना, तुम साइकिल चलाते हो ना? साइकिल तो मैं रोज चलाता हूँ, लेकिन आज मेरी साइकिल का टायर पंचर हो गया। पैदल चलकर यहाँ तक आया, बड़ी परेशानी हुई। अगर कोई इंसान अपनी गृहस्थी की साइकिल का पहिया खुद ही पंक्चर कर दे तब क्या होगा? मतलब ये कि अगर पुरुष महिला को कमजोर मानकर उस पर अत्याचार करे तब क्या होगा? पता नहीं, देखते हैं सत्य की अदालत में। सत्य की अदालत में।
तो आप हैं मिसेस अल्पा, आप हैं मिस्टर राजेश जी। आप दोनों रिश्ते से पति पत्नी जी, और आपने अपनी पत्नी पर केस किया। कार्यवाही शुरू की जाए। योर ऑनर, हमारा दावा है कि श्रीमती अल्पा जी ने अपने पति को डरा धमका कर उन पर कातिलाना हमला करने की कोशिश की, और यह हमला उन्होंने सिर्फ मेरे क्लाइंट राजेश जी पे ही नहीं किया है, बल्कि यह हमला उन्होंने हमारे समाज के एक बहुत बहुमूल्य संस्था यानी कि परिवार पे भी किया है। और अगर इसी तरह चलता रहा तो यह समाज हिल जाएगा, देश हिल जाएगा। योर ऑनर, इस तरह का कोई भी हमला किसी पर नहीं हुआ है, प्लीज आप वकील साहब से कहिए कि थोड़ा शांत। मैं शांत रहने वाला नहीं हूं। मैं मैडम को याद दिलाना चाहता हूं कि कानून की नजर में किसी चीज की धमकी देना और उसे असलियत में करने में कोई खास फर्क नहीं है। मिस्टर राजेश, किस तरह का हमला हुआ आप पर? योर ऑनर, मेरे क्लाइंट राजेश जी हमले के बाद मानसिक तौर पर हिल गए, वो कुछ बोल नहीं पाएंगे। जज साहब, कोई हिले विले नहीं है, ये इन दोनों की बनाई हुई नौटंकी है, वरना हाथ उठाने में और आवाज उठाने में तो ये नंबर एक हैं। इनको तो जज साहब पुरस्कार दे देना चाहिए। आप शांत रहिए, आपको बोलने का पूरा मौका मिलेगा। योर ऑनर, मैं मिस्टर राजेश से कुछ सवाल करना चाहती हूँ। हाँ जी, इजाजत है। हाँ तो राजेश जी, प्लीज अदालत को बताइए कि आप पर किस तरह का हमला हुआ। जज साहब, मेरी पत्नी ने हाथ उठाकर इशारा किया है कि वो मुझे थप्पड़ मार देगी, और इस सदमे से अभी तक मैं बाहर नहीं निकल पाया हूँ। रियली मिस्टर राजेश, आपकी पत्नी ने हाथ उठाकर इशारा किया कि वो आपको थप्पड़ मार देगी और आपको सदमा लग गया, आप हिल गए अंदर तक। योर ऑनर, शारीरिक वार की धमकी देना भी एक जुर्म है। अल्पा जी, आपको ये जुर्म कबूल है? हाँ जज साहब, हाथ तो मैंने उठाया था, बस एक बात का अफसोस है। कैसा अफसोस? खींच के वो चाटा मार ही देना चाहिए था तो बेहतर होता। देखिए अल्पा जी, अगर आप जुर्म कबूल करेंगी अदालत में तो अदालत आपको सजा देने के लिए मजबूर हो जाएगी। योर ऑनर, उससे पहले कुछ जरूरी सवाल हैं जो मैं अल्पा जी से पूछना चाहूंगा। हाँ जी, इजाजत है। क्या आपने अपने पति को हाथ उठाकर मारने की धमकी दी? जी, और मारना भी चाहिए था। और ऐसा क्यों किया? क्योंकि जज साहब, मेरे 12 साल के बेटे ने मुझे चाटा मारने की धमकी दी थी। आपके बेटे ने आपको धमकी दी? जी सर साहब। लेकिन उसका इस केस से क्या ताल्लुक है? मतलब कहना क्या चाहती हैं आप? ये मुझे बहुत मारते पीटते हैं। इनके घर वालों का कहना है कि अगर पत्नी को हफ्ते में एक दो बार सबक सिखाया ना जाए तो पत्नी सिर पे चढ़ जाती है और ऊपर से अपना हक भी जताती है। हाँ? कैसा हक? मेरे पति कहते हैं जज साहब कि मुझे मारना इनका पति धर्म है, मार को चुपचाप सहना मेरा पत्नी धर्म है। अल्पा जी, जैसा कि आपने बताया कि आपके पति आपको बड़ी ही बेरहमी से मारते पीटते हैं जी, तो अब ऐसा क्या हो गया कि आपने उन पर हाथ उठाने का प्रयास किया? मेरे बेटे की वजह से, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा भी बड़ा होकर राक्षस बने और किसी भी औरत के जीवन को नरक बना दे। देखिए योर ऑनर, हर बात का एक संदर्भ होता है, एक माहौल होता है, पति पत्नी के संबंध का एक लंबा इतिहास होता है। फिर वो इतिहास उस पति को हक दे देता है कि वो अपनी पत्नी की बेरहमी से पिटाई करे, ये कहना चाहते हैं? देखिए योर ऑनर, हर घर के अपने अपने तौर तरीके होते हैं। हाँ, वो तौर तरीके गैर कानूनी क्यों ना हो। दिस इज व्हाट यू मीन टू से वकील साहब।
योर ऑनर, मैं, आप और यहाँ बैठे सभी लोग ये जानते हैं कि ये सिर्फ राजेश जी के घर की कहानी नहीं है। तो आप हिंसा के पक्ष में दलील दे रहे हैं। योर ऑनर, असली मुजरिम राजेश जी है जो इतने सालों से अपनी पत्नी के साथ हिंसा करते हैं, उसे बड़ी ही बेरहमी से मारते पीटते हैं कंट्रोल करने के नाम पर। इतना ही नहीं, उसके साथ साथ उन्होंने एक और जुर्म किया। कैसा जुर्म? अपने बेटे के दिमाग में जहर घोलकर, उसके दिमाग में ये बात ठूस ठूस कर भर दी है कि औरत को मारना पीटना, उसके साथ हिंसा करना लाजमी ही नहीं बल्कि जरूरी भी है, क्योंकि ये मर्द की मर्दानगी दर्शाता है। योर ऑनर, सर्वे के अनुसार 52% महिलाएं खुद मानती हैं कि ये सब स्वाभाविक है, नॉर्मल है। अरे वकील साहब, आपको ये नॉर्मल लगता है? अरे मेरा सर तो शर्म से झुका जा रहा है। वो घर का काम करे, घर चलाए, पति से पिटे, बच्चों को बड़ा करे। योर ऑनर, जब ऐसे घरेलू हिंसा को देखकर बच्चे बड़े होते हैं तो वो उसे ही समाज में लेकर आते, वो भी महिलाओं पर वैसे ही हिंसा करते। इसकी शिक्षा उन्हें बाहर से नहीं बल्कि अपने घरों से ही मिलती है। मिस्टर राजेश, आप कुछ बोलेंगे या मैं फैसला सुनाऊं? जज साहब, इतने सालों से मैं अंधा था, ये चाटा तो मुझे सालों पहले खा लेना चाहिए था। जज साहब, मुझे कड़ी से कड़ी सजा सुनाइए, पर आपसे एक विनती है, मुझे प्रायश्चित करने का एक मौका दीजिए। कभी सोचा नहीं था, बाप दादाओं के जमाने से सुनते आए हैं, औरतों को लाइन पे रखने का एक ही तरीका है, उस पर हाथ उठाना। और मैंने इस कुर्ता को अपनी अकलमंदी समझ के स्वीकार कर लिया। मैं भूल गया कि मेरी पत्नी है, उसकी सुरक्षा तो छोड़ो, उस पर जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया। मैं अपनी बीवी से माफी मांगना चाहता हूं। माफी तो आपको अपने बेटे से भी मांगनी होगी, जो जहर उसके दिमाग में आपने भरा है वो निकालना होगा। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगा, पर मैं उसके सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगा? देखो, सजा तो तुम्हें होगी, लेकिन अदालत तुम्हें एक मौका प्रायश्चित का भी देगी, और सजा का ऐलान कल होगा। योर ऑनर, आज पहली बार एक केस हार कर भी मैं गर्व महसूस कर रहा हूं। गर्व तो तब होगा वकील साहब, जब ना तो ऐसी हिंसा हमारे घरों में हो और ना ही हमारे समाज में फैले। देखिए, अदालत तो अपना फैसला सुनाएगी, लेकिन एक बार उन औरतों के बारे में सोचिए जिनकी हड्डियां टूटी हो, जिनके हौसले टूटे हो, जिनका आत्मविश्वास टूटा हो, जिनका आत्मबल टूटा हो, और जो इस कारण अपने आप को मर्दों से कम इंसान समझ रही हो, उनका क्या? देखिए, आज मैं इस अदालत से बहुत सारे सवाल लेके जा रहा हूं, लेकिन राजेश जी के पश्चाताप ने मुझे उम्मीद की एक किरण भी दिखाई दी, और उम्मीद जिंदगी का बहुत बड़ा सहारा है। दिस कोर्ट इज adjourned फॉर today. सॉरी, में हो रही हिंसा का पूरे परिवार पर आजीवन कितना बुरा असर होता है।
लेकिन फिर भी हमने देखा है कि औरतों पर हिंसा आम बात है। कुछ लोग इसे बुरा नहीं मानते, बल्कि वो ये मानकर चलते हैं कि कभी कभार औरतों पर हाथ उठाना जरूरी है। ये कैसी मानसिकता है? आज अगर आप मानते हैं कि ये तो बस घर की बात है, तो याद रखिए कल वही बात हमारे समाज में भी फैलेगी और ना जाने कितनी महिलाओं की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हाथ उठाना कौन सी मतान की है? अपनी नाकामी का गुस्सा अपने ही घर वालों पर उतार कर लोग अपने ही घर को नर्क में बदल देते हैं। आप ही सोचिए, एक बच्चा जो बचपन से समझता आ रहा है कि औरतों पर हाथ उठाना कोई बड़ी बात नहीं, वो बड़ा होकर किस तरह का इंसान बनेगा? वो इंसान नहीं, राक्षस बनेगा। जो कुछ उसने घर में सीखा है वैसा ही बर्ताव वो समाज में करेगा। बस बहुत हो गया, महिलाओं पर हो रही हिंसा घर में या घर के बाहर, उसे बंद करना होगा। पुरुष और स्त्री के बीच समानता और आदर, ये हमारे समाज की बहुत बड़ी जरूरत है और मुझे यकीन है ऐसा होकर रहेगा। देखते रहिए, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। Thank you.